पर्सनल मेरा पर्सनल व्यू है ये कि एक सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा एक फोटो दिखता है मुझे ट्वीट में कि ये लेडी डॉन, एक लॉयर को लेडी डॉन बोला जाता है, बड़ी ही लेस रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। आपने एक औरत को उसकी इमेज को टार्निश किया है, आपको पता भी नहीं है वो औरत क्या करती है, कौन है, आपने उसको लेडी डॉन टर्म कर दिया। सर मैं एक लॉयर हूँ, सर मैं औरतों के लिए लड़ती हूँ, आप इतने बड़े प्रवक्ता हो, आप इतने बड़े नेता हो, आपको थोड़ा सा तो दिमाग रखना चाहिए कि आप एक लॉयर को डॉन बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंसान को, पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक डॉन बोल रहे हो। फिर उसके बाद में एक सीक्वेंस से दूसरा दिन मेरे फोटोज दुबई के और मेरे मालदीव्स के पोस्ट किए जाते हैं, जिससे दूर दूर तक मेरा भाई का कोई संबंध नहीं है। मेरा भाई मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, वो बोलने आया था कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, आप जा रहे हो, आप अकेले हो, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो। कुछ अगर भाई का बहन को मिलना और अगर भाई बोलना गलत बात है तो नवाब मलिक जी को लगना चाहिए बुरा, उसने दुबई ट्वीट कर दिया। खुद जो एजेंसी है एनसीबी, वो खुद कह रही है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगा। हम चाहते हैं सच जनता के सामने आए और किसी भी परिवार को, किसी भी फैमिली हो, इंडिविजुअल्स हो, उनको इस तरीके से टारगेट कर उनसे फिरौती करना, मैं मानती हूं गैर कानूनी ही नहीं, ये सच्चाई के खिलाफ जो लड़ाई है वो चल रही है। ये टारगेट कर रहे थे बॉलीवुड को, आपके सामने काफी सारे लेटर्स हैं, मैं क्या मुंह से बोलूं, सामने लेटर्स हैं, उसी के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई सामने आएगी।